हेलो, वेलकम बैक टू टेक्निकल दीपक यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा, जैसे कि आप सभी को पता है, फाइनल ईयर स्टूडेंट यूजीसी की गाइडलाइन का वेट कर रहे हैं और यूजीसी की गाइडलाइन 1 जुलाई को आने वाली थी, लेकिन कल 6 जुलाई को रात को यूजीसी की गाइडलाइन आ चुकी है। लेकिन वहाँ पर सभी स्टूडेंट को प्रमोट नहीं किया गया है। फाइनल गाइडलाइन में क्या है, किस किस को प्रमोट किया गया है, सब कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगा। चैनल पर आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी जरूर दबा देना। चलते हैं सबसे पहले यूजीसी की गाइडलाइन पर। डिस्प्ले पे आप देख सकते हो यूजीसी की गाइडलाइन एग्ज़ाम की तस्वीर साफ, फाइनल ईयर के एग्ज़ाम की तस्वीर साफ हो गई है। जी न्यूज़ की ऑफिशियल ये न्यूज़ है और यहाँ पे इन्होंने बोला कि यूजीसी गाइडलाइन जारी हो चुकी है। और नई दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतिम वर्ष की परीक्षाएं सितंबर के अंत तक आयोजित होगी। मानव संसाधन मंत्रालय ने सोमवार को इस बारे में घोषणा की। कोरोना वायरस के मामले की वृद्धि के मद्देनज़र जुलाई के लिए निर्धारित कार्यक्रम को टाल दिया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की ओर से जारी संशोधित दिशा निर्देश के मुताबिक अंतिम वर्ष की परीक्षा दे पाने में असमर्थ छात्रों को सितंबर में एक और मौका मिलेगा और विश्वविद्यालय जब उचित होगा तब उनकी परीक्षा आयोजित करेगा। विश्वविद्यालय के निर्देश के अनुसार गृह मंत्रालय की तरफ से हरी झंडी मिल गई है। आपको बता दें यूजीसी गाइडलाइन के पहले होम मिनिस्ट्री की तरफ से यहाँ पर गाइडलाइन जारी की गई है, तो मैं आपको वो भी गाइडलाइन बताऊंगा। और अब एग्ज़ाम है वो सितंबर मंथ में होंगे जो जुलाई में होने वाले थे। तो ये अभी फाइनल न्यूज है, तो मैं आपको बता देता हूँ होम मिनिस्ट्री वाला गाइडलाइन उन्होंने क्या कहा है। तो डिस्प्ले पर अभी आप देख सकते हो प्रेस इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये यहाँ पर एक प्रेस लेटर यहाँ पर रिलीज़ किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर परमिट कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन बाई यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूशन 6 जुलाई 2020, कल ही के दिन ये जो लेटर है वो पब्लिश किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर इन ए लेटर टू यूनियन हायर एजुकेशन सेक्रेटरी टू डे परमिट कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन बाय यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूशन। द फाइनल टर्म्स ऑफ एग्जामिनेशन आर टू बी कंपल्सरी कंडक्ट एज पर द यूजीसी गाइडलाइन ऑफ एग्जामिनेशन एंड एकेडमिक कैलेंडर फॉर द यूनिवर्सिटी एंड पर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोड्यूस SOP अप्रूवल बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो यहाँ पे इन्होंने ये वर्ड कंपल्सरी लिखा है, मतलब एग्जाम कंपल्सरी होंगे, फाइनल टर्म्स के फाइनल ईयर के एग्जाम कंपल्सरी होंगे। अब ऑलरेडी बहुत सारे राज्य अपने स्टूडेंट को प्रमोट कर चुके हैं। राजस्थान ने रिसेंटली स्टूडेंट को प्रमोट किया था। अब स्टेट गवर्नमेंट अपना फैसला वापस लेगी या फिर ये फैसला स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ा जाएगा, अब ये यूजीसी गाइडलाइन ऑनली गाइडलाइन है, दिशा निर्देश है, इस पर डिपेंड करता है कि स्टेट अपना फैसला लेगी या कंपल्सरी है, ये तो आने वाले टाइम में पता चलेगा। जैसे ही कुछ भी अपडेट आएगा मैं आपको इन्फॉर्मेशन वीडियो के थ्रू इन्फॉर्म करूँगा। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि जो फाइनल ईयर के एग्ज़ाम थे वो जुलाई में होने वाले थे, जैसे कि RTU के 16 जुलाई से होने वाले थे, लेकिन अब उसका भी कोई अपडेट नहीं है। अभी तक वेबसाइट पर टाइम टेबल भी है और RTU की तरफ से भी कोई अपडेट नहीं आया है। तो जैसे ही कुछ भी अपडेट आता है किसी भी यूनिवर्सिटी को, मैं आपको सबसे पहले इन्फॉर्म करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।